चलिए इसी बीच खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संकल्प के तहत आम का पौधा लगाया। पीएम शिवराज ने आम का पौधा लगाया, कोविड के खिलाफ संकल्प अभियान चलाया गया है। 23 मार्च को कोविड के खिलाफ संकल्प अभियान होगा। सभी शहरों में सायरन बजाया जाएगा, सुबह 11 से और शाम 7 बजे ये सायरन बजेगा। सायरन बजते ही जो जहां है वही मास्क लगाने का संकल्प लें। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं खुद सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क और गोले बनाने निकलूंगा। 2 मिनट के लिए नियमों के पालन का संकल्प लिया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजेगा। कोविड के खिलाफ 23 मार्च को संकल्प अभियान चलाया जाएगा। सभी शहरों में सायरन बजाया जाएगा। क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो कल मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सिंधिया जी ने एक पेड़ भेंट किया था आम का। वो आज आम का पौधा ही आज मैंने वृक्षारोपण अभियान के तहत यहाँ लगाया है। और आम हम जानते हैं फलों का राजा है। मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि हर शुभ अवसर पर या पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। आज भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में लॉकडाउन है। मैं चिंतित हूँ और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, कोरोना की ये लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज मध्य प्रदेश में आज का मतलब कल रात तक जो रिपोर्ट हुए थे 1322 पॉजिटिव केसेस, प्रतिदिन इनकी संख्या 141 तक घट गई थी। भोपाल में आज सर्वाधिक 382, इंदौर में 326, जबलपुर में 108, ग्वालियर में 41। ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको रोकना जरूरी है। इसलिए 3 शहरों में आज लॉकडाउन है। मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि हम आर्थिक गतिविधियों को बाधित करें, लेकिन कोरोना संक्रमण की यह बढ़ती रफ्तार मन में। ऐसा संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। वैभव जी, कोविड संक्रमण ना फैले इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में 23 मार्च को कोविड के खिलाफ संकल्प अभियान चलाया जाएगा। कैसा रहेगा यह संकल्प अभियान? बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर जो हम देख रहे हैं, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। भोपाल ने इंदौर को भी मात दे दी है, तो परिस्थिति कहीं ना कहीं बेहद गंभीर होती जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो स्मार्ट पार्क पर अपने प्रण के अनुसार पौधारोपण करने पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अब 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे हम संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभियान के तहत जो व्यक्ति जहां है वहीं पर खड़ा रहे और इस दौरान सायरन बजेगा और सायरन के माध्यम से लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के वायरस को अगर मात देना है तो हमको मास्क लगाकर ही रखना होगा। इसके साथ ही लगातार हम बाजारों में देख रहे हैं कि कुछ व्यापारी हैं जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने वाले खोल घेरे, सफेद घोरे अपनी दुकानों के बाहर बनाए हैं, लेकिन कुछ व्यापारी ने अपना जैसे घेरे नहीं बनाए हैं, तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोल घेरे बनाने के लिए निकलेंगे। इसके साथ ही कल क्राइसिस ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट की बैठक होने जा रही है, जिसमें आज जो त्यौहार आने उस पर बातचीत की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी होली मेरा घर अभियान की शुरुआत की जाए, ताकि होली का त्यौहार लोग सड़कों के बाहर सड़कों पर आकर ना मनाए, अपने घरों में ही मनाए। इसके साथ ही 1 अप्रैल से जो स्कूल खोले जाने हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस परिस्थिति में स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। वहीं उनसे जब सवाल किया गया कि टोटल लॉकडाउन किया जा सकता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम आर्थिक गतिविधियों को रोकना नहीं चाहते, आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। वहीं जो सियासी तूफान इस वक्त हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कहां का रूड़ा और शिवसेना सत्ताभवान ने उसको कैसे जोड़ा, और ये तो करप्शन की पराकाष्ठा है, और जिस तरह से मंत्री दलाली कर रहे हैं ये बेहद शर्मनाक है, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जी ठीक है वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार निरंतर प्रयासरत है। आज मध्य प्रदेश के 3 जिलों में जहां टोटल लॉकडाउन है, तो वहीं 23 मार्च को कोविड के खिलाफ संकल्प अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा और सायरन बजते ही मास्क लगाने का संकल्प लेना होगा।